हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जैनेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शन कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कैसे हो साहब? अच्छा लिसन, आज की जो वीडियो है वो वर्किंग वीमेन के लिए मैं एनर्जी पिक कर रही थी। नाउ जब लोग कहते हैं ना कि वर्किंग वुमन है, ठीक है, उन्हें लगता है कि शायद घर से बाहर जाके पैसा कमा रहे। नहीं, वर्किंग वुमन वो होते हैं जो एक्टिवली काम करते हैं, चाहे घर के अंदर काम करो या घर के बाहर काम करो। काम काम होता है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है। सो जिसके साथ एनर्जीज मैच करती है, मैसेजेस मैच करता है, लो, जो नहीं मैच करता है उन्हें जाने दो। नाउ कोई भी काम फिजिकल रेल में कोई भी काम करने के लिए पुरुषार्थ की ज़रूरत पड़ती है, मैस्कुलिन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एंड आई फील मैं इस कलेक्टिव की जिनकी मैं एनर्जी पिक करी हूँ वो आज बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में रहने वाली है। राइट, काफ़ी वक्त से आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, राइट, अपने करियर को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे और आपको कोई रिजल्ट प्रॉपरली नहीं मिल रहा था। इट्स लाइक जैसे आपको चाहिए था वैसे डिज़ायर्ड आपको मिल नहीं रहा था। अब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आप कंसिस्टेंटली उसमें स्लो स्टेडी ग्रोथ देखोगे कंसिस्टेंटली, ठीक है ना। इट्स बिकॉज आप में से बहुत से लोग बहुत रेस्टलेस रहे हो एंड यूनिवर्स आपको लिटरली पेशेंस और प्रेसिवियरेंस सिखा रहे हैं, ठीक है ना। सो यू विल हैव लिटिल बिट ऑफ वहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करना है। मुझे बात करने में यहाँ पर दिक्कत हो रही है, आई एम लाइक मैं रुक रुक के यहाँ पर बात कर रही, तो यहाँ पर कोई है जो ठीक से बात नहीं कर पाते जिसके वजह से उनके काम की जगह पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। इट्स लाइक आप जो चाहते हो वो काम पूरा हो, आप ठीक से ना समझा नहीं पाते, ठीक है ना। और फिर जब वो काम पूरा नहीं होता, आई फील आप थोड़ा सा इरिटेटेड हो जाते हो, या तो आप बहुत ज़्यादा भड़क जाते हो या फिर समय रहते कुछ बोलते नहीं हो, ठीक है ना। आप सोचते हो कि शायद सामने वाला खुद समझ जाएगा। नहीं, लिसन, अगर कोई आपके अंडर काम कर रहा है आपको उन्हें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देने होंगे कि आप क्या कैसे चाहते हो, ठीक है ना। कोई यहाँ पर अंतर्यामी बैठा नहीं हुआ कि आपका मन पढ़ लेंगे। ओके, आई फील यहाँ पर बहुत से फेमिनिन एनर्जीज है जो घर का और बाहर का दोनों का संभाल रहे थे। लाइक लिटरली वो एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे थे। अब धीरे धीरे आप देखोगे कि एनर्जी स्टेबलाइज हो रही है। लाइक घर में भी जो काम है, टाइम पे खाना, यू नो, सोना, बच्चे, घर को साफ रखना, घर के जितने भी चॉर्स है ना वो सब ठीक से टाइम पे कंप्लीट हो रहे हैं। प्लस अगर आप घर के बाहर जाके पैसा कमाते हो, ऑनलाइन काम करते हो, ऑफिस जाते हो, जो भी है, वहाँ पर भी आप एक बैलेंस देखोगे। लाइक दोनों साइड्स पे आप बैलेंस देख पाओगे। आई फील यहाँ पर कलेक्टिव आप लोगों की एक इमोशनल स्टेबिलिटी भी आपने गेन की है थैंक्स टू आर लायंस गेट पोर्टल। आप बहुत समय से स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे, अपने अंदर एक स्थिरता ढूंढ रहे थे और अब जाके वो स्थिरता आपको मिल रही है, एक बैलेंस आपको मिल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइज जिसने बहुत मेहनत करी है एंड फाइनली वो स्टेबिलिटी अब आपके अंदर स्थापित हो रहा है, प्लस आपके बाहर भी वो अब दिख रहा है लाइक कंसिस्टेंटली। डजंट मैटर, आप मैस्कुलिन भी हो सकते हो और इन मैसेजेस से आप रेजोनेट कर सकते हो, इट्स फाइन, ठीक है। मेरे सारे रीडिंग्स वैसे भी टाइमलेस होते हैं, पुराने 2019 के वीडियोज़ भी कुछ लोग अब देख रहे हैं, अब जाकर के उनके साथ मैच हो रहा है, इट हैपन्स। टाइमलेस रीडिंग इसी को कहते हैं, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर कोई है जो
अपने नेबर या कलीग से थोड़ा परेशान थे, नहीं वो आपको तंग नहीं कर रहे थे, आई फेल कि वो आपसे बात नहीं करते थे, तो आपके मन में बहुत सारी ऐसी यू नो ख्याल आया होगा कि शायद वो आपको अपने समान नहीं समझते या फिर वो आपसे बात नहीं करना चाहते, बहुत यू नो नकचरे किस्म के हैं, घमंडी है। आपने सोचा होगा कि ये बेटा या ये बेटी मुझे अपने बराबर नहीं समझती, शायद इसलिए बात नहीं करी। एक्चुअली बात वो नहीं है, सच ये है कि ये पर्सन बहुत ही डिटरमाइन किस्म की है। उन्होंने काफ़ी दुनिया देखी है टू द पॉइंट कि उन्हें पता है कि ज़्यादा घूमने मिलने से प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है, ठीक है ना। और आई फील आप बहुत चुलबुले रहे हो, बहुत फ्रेंडली रहे हो, तो उन्हें लगा कि शायद एक बार वो आपसे बात करने लगेंगे ना तो बात बस होती चली जाएगी, एंड वो फिर हो सकता है कि फिर चीज़ें गड़बड़ा जाए। उन्हें अपना फोकस खोने का टेंशन नहीं था, इट्स मोर लाइक कि वो कुछ प्रॉब्लम नहीं चाहते थे, ठीक है। इस बात का एहसास आज आपको होगा और आपके इस कलीग को या इस नेबर को आपको आज आपकी ज़रूरत होगी उन्हें, ठीक है ना। आप थोड़े से सरप्राइज भी हो जाओगे, वो हिचकिचाएंगे भी, पर आप फील कर पाओगे कि शायद उन्हें आपकी ज़रूरत है और आज वो समहाउ आपसे बात कर पाएंगे, या आने वाले 7 दिनों के अंदर आई फील कि आप लोग एक दूसरे से बात कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो जजमेंटल थॉट्स है एंड ऑल, ये कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा। आप रियलाइज़ करोगे कि यहाँ पर आप कुछ ज़्यादा ही हार्श हो रहे थे जस्ट बिकॉज वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे थे, ये उनका घमंड नहीं था, ठीक है ना। या फिर कोई आपको लेकर कैसे सोचते हैं और आप जब उनसे बात करोगे ना, वो थोड़ा सा दंग रह जाएंगे, वो रियलाइज़ करेंगे कि नहीं आप ऐसे पर्सन नहीं हो, आप जस्ट यू नो नए नए शिफ्ट हुए हो, या फिर आप जस्ट बात करना नहीं चाहते थे बिकॉज आप चीज़ों को बढ़ाना नहीं चाहते हो। आप जानते हो कि कैसे एनर्जी फ्लो करता है और एकदम से चीज़ें बढ़ जाती है। ओके, यहाँ पर कोई है जो जिसे थोड़ा सा यू नो दूसरों के साथ मिल करके काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इट्स बिकॉज हम काफ़ी सारे लोग अंतर्मुखी हो चुके हैं, राइट। अकेले ही इस वक्त काम कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि कैसे अपने बलबूते पर अपने बलबूते पर काम करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि हम अकेले ही काम करेंगे, बट यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम पे इस एनर्जी में ये ज़रूरी है, ठीक है ना। इट्स लाइक आप कोई पॉइंट प्रूफ करना चाहते थे अपने किसी कार्मिक से कि मैं अकेला कर सकता हूँ या फिर मैं अकेली कर सकती हूँ, और एग्जैक्टली उसी पर आप काम कर रहे हो, ठीक है। इस वक्त आपको टीम वर्क अगर आपको करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, आप रियलाइज़ करोगे कि टीम वर्क उतना भी बुरा नहीं है, ठीक है। अपने साथ अपने भरोसे पर डिसीशन लेना, छोटे छोटे करके एक एक कदम ले करके यू नो अपने आप के अपने नज़रों में अपने आप को प्रूफ करना, आप धीरे धीरे देखोगे वो मैनिफेस्ट हो रहा है। लाइक लिटरली आप अपने नज़रों में उठ पा रहे हो। कभी अगर आपको लगा था कि शायद आप अकेला नहीं चल सकते एंड ऑल दैट स्टफ, आप रियलाइज़ करोगे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपने साथ काम कर पा रहे हो। प्लस क्योंकि अब आपके अंदर थोड़ी सी चीज़ें यू नो ठीक से बैलेंस आउट हो रही है, लोग सामने से आकर के आपके साथ काम करना चाहेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। ये यूनिवर्स की तरफ से एक तोहफा समझिए, जहाँ पर लोग आपको कहेंगे कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब इसमें आप अपना डिसर्नमेंट यूज़ कीजिए कि अगर आपको हेल्प लेना है या नहीं लेना है, ठीक है, ज़रूरत है भी या नहीं है। बट अगर आपको हेल्प मिल जाता है, थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, आपको थोड़ा हल्का फील होता है, देन टेक इट, ठीक है। यहाँ पर कोई है जिसने हमेशा दूसरों से काम करवाया है पर खुद कभी कुछ नहीं करा है। देर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक टॉक्सिक मैस्कुलिन या टॉक्सिक फेमिनिन हियर, जिसने हमेशा कंसिस्टेंटली दूसरों का इस्तेमाल किया है अपना काम निकलवाने के लिए, उसे यहाँ पर कार्मा मिलेगा, चाहे घर में हो, आपके नेबर में हो, या आपका कोई कलीग हो, आपका जान पहचान का हो। आपको पता है कि ये पर्सन
इमोशनली लोगों को ईगो बूस्ट करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके, लोगों की कमजोरियों का फ़ायदा उठा के समहाउ वो लोगों से अपना काम निकलवाते हैं। इस कमीने को या इस कमीने को आज चपाट पड़ने वाली है, या आने वाले 7 दिनों के अंदर आप इसे होते हुए देखोगे। ठीक है, ये हमेशा टीम वर्क के नाम पे एक्चुअली दूसरों से अपना काम निकलवाता है। अब इसे अकेला ही अपना काम साफ करना पड़ेगा। ओके, देयर इज अनदर सेपरेट मैसेज। एक्चुअली ये पर्सन का एक और मैसेज भी है, इट्स टॉक्सिक मैस्कुलिन टॉक्सिक फेमिनिन का। ये हमेशा लोगों के सामने रोना धोना करते हैं, हम बुजुर्ग है, एक उन्हें बस एक बहाना चाहिए लोगों को ब्लैकमेल करने का, रहे अपने आप को विक्टिम दिखाने का, दे लाइक मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, मैं मेरे साथ बहुत गलत हो गया है। हाँ, अपने आप को ज़रूरतमंद दिखाने का, या मैं बहुत छोटा हो या बहुत बुज़ुर्ग हूँ, दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस, ठीक है, लोगों का इस्तेमाल करने का। बट अब जिनका इस्तेमाल वो कर रहे थे, हो सकता है वो आपका इस्तेमाल कर रहे हो, अब उन्हें वो मदद मिलेगा नहीं। एंड यहाँ पर एक लेवल का आपको फ्रस्ट्रेशन दिखेगा उनके अंदर, ठीक है। आप लिटरली देखोगे कि ये जिनसे भी अब तक अपना काम निकलवा रहे थे ना, सब अपना दरवाजे इसके मुंह पर बंद करने वाले हैं। ओके, हो गई बात वहाँ पर कार्मा की। नाउ यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा टीम वर्क पे यकीन करते थे, लाइक एक साथ मिल के दूसरों के साथ काम कर रहे थे, चाहे वो टीम का मेम्बर हो या फिर एक लीडरशिप पोजिशन में हो। वो स्पेसिफिकली इस मैस्कुलिन या फेमिनिन को एक सिंगल एनर्जी में डाल रहे, ठीक है ना, बिकॉज ये अपना इनर वर्क ठीक से नहीं कर रहे थे, उन्हें अब अपने ऊपर काम करना है और सिंगली काम करना है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीशंस है दोनों घर के और बाहर के जो उन्हें लेने हैं, उसके पहले जब तक वो लाइक ये डिसीशंस नहीं ले लेते, वो आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। इट्स लाइक इस पर्सन ने बहुत बड़े बड़े एक्सक्यूजेस डाले हैं, बहुत बड़े बड़े कामों को टाला है। इसने हमेशा ऐसे ही लगा है कि अगर वो कोई डिसीशन नहीं लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। डिसीशन नहीं ले पाने का मतलब है कि आपके अंदर डाउट है, और जब किसी के अंदर डाउट होता है ना, तो टॉक्सिक एनर्जीज, नेगेटिव एंटिटीज़ आके इसी डाउट का फ़ायदा उठा करके आपको किसी गलत सिचुएशन में फंसा लेते हैं। आपको लगेगा कि आप सही डिसीशन ले रहे हो, बट आपके अंदर का जो डाउट है, आपका ईगो बूस्ट करके आपको किसी गलत रास्ते पे चला देता है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप हाँ बोलो या ना बोलो, आप अपने एक डिसीशन लो और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके लिए तैयार हो जाओ कि हाँ ठीक है, ये मेरा डिसीशन है। हर चीज़ का एक कॉन्सिक्वेंसेस होता है, एक नतीजा होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं। आप चाहे राइट में जाओ या लेफ्ट में जाओ, दोनों तरह से ही चैलेंजेस मिलेंगे, कोई भी रास्ता स्मूथ नहीं होने वाला है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम यहाँ पर ग्रो करने आए हैं। अलग अलग लेवल के चैलेंजेस होंगे, पर श्योर ना होने के बावजूद भी आई नो समटाइम्स लीप ऑफ फेथ लेने को इसी को कहते हैं कि हमें नहीं पता आगे चल के क्या होगा, पर एक विश्वास कि हाँ अगर कुछ गलत होता है तो डिवाइन हमें रास्ता दिखाएंगे, या फिर अपने ऊपर इतना भरोसा होता है कि हम अपने आप को सही समय रहते उस सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे। तो ये जो एक आत्मविश्वास होता है ना, इससे नेगेटिव एनर्जीज एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट करके भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि हम उन हर्डल्स को पार कर पाते, ठीक है ना। तो ये पर्सन कभी भी ऐसे फेथ के साथ, भरोसे के साथ कभी डिसीशन नहीं लेता था या नहीं लेती थी, हमेशा ऐसे छोड़ देता था ये सोच कर कि अरे जो होगा वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब चीज़ें उनके मुताबिक नहीं होता था, वो हर किसी पर ब्लेम करते थे कि मेरे वजह से नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी ऐसी है एंड ऑल दैट। गलत बात है, इसने कभी ज़िम्मेदारी ली ही नहीं है,
हमेशा से ऐसे ही इडियट जैसे बिहेव किया हुआ है, ये उसकी खुद की इनसिक्योरिटी अनश्योरिटी रही है, ठीक है। आई फील कि ये जो भी पर्सन है आप इसे जानते हो, ठीक है ना, और उन्हें आपके इस बिहेवियर से बहुत प्रॉब्लम रही है कि आप लीप ऑफ फेथ लेते आए हो और ये पर्सन कभी लीप ऑफ फेथ इन्होंने लिया ही नहीं है। इन्होंने हमेशा दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराया है पर खुद कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया। अब यूनिवर्स इन्हें ऐसे एक पोजीशन में डालेंगे जहाँ पर उन्हें लीप ऑफ फेथ लेना होगा, उन्हें ज़िम्मेदारी लेनी होगी, उन्हें डिसीजन भी लेना होगा, उन्हें रियलाइज़ करवाया जाएगा लेकिन लिटरली कि डिसीजन ना लेना कितनी बड़ी समस्या है, रिस्क ना लेना भी अपने आप में कितनी बड़ी समस्या है, ठीक है। एंड प्रॉब्ली आपके साथ उनका एक दुर्व्यवहार भी रहा होगा कि उन्होंने कभी भी लाइक उन्होंने आपको अपनाया नहीं है और हमेशा आपके इस क्वालिटी के वजह से आपसे चिढ़े भी होंगे। व्यूअर्स, मेरे जाने थियर्स, शायद आप लीप ऑफ फेथ लेते हो, अपने ऊपर भरोसा करते हो, आपका हमेशा से ऐसे एक आउटलुक रहा है यू नो कि जो होगा देखेंगे, लाइक ये मेरा डिसीजन है, प्रॉब्लम्स ही आता है तो वो मेरा होगा, और आप एक यू नो हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन होकर श्योर होकर आगे बढ़ते हो कि अगर प्रॉब्लम भी हुआ तो मेरा प्रॉब्लम होगा एंड मैं इसे झेल लूँगा या झेल लूँगी, ठीक है ना, पर अपनी मर्ज़ी से आगे बढ़ना पसंद करूँगी, किसी और के दिखाए हुए रास्ते से यू नो अंधविश्वास होकर के आगे नहीं बढ़ना है, जहाँ पर मुझे यू नो तकलीफ़ हो कि मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ को नकारा, ठीक है ना। सो आप कब के इस अप्रोच से, इस बिहेवियर से शायद इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम भी रही होगी, पर अब उन्हें आपका ये नज़रिया समझ में आएगा फाइनली। यूनिवर्स उन्हें ऐसे एक पोजीशन में डालेंगे जहाँ पर वो किसी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, एंड उन्हें अपने खुद के इन बिहेवियर्स के लिए ज़िम्मेदारी लेनी होगी। आई फील ये पर्सन स्पिरिचुअल अरेस्ट में जाने वाले हैं, मेंटली बहुत लंबे समय तक आई एम हियरिंग 9 दिन 9 महीना, ठीक है, वो सेल्फ रिफ्लेक्टिंग मोड में जाएंगे जहाँ पर वो रियलाइज़ करेंगे कि क्योंकि वो अपने लाइफ अपने हाथ में नहीं लेना चाहते थे, किसी भी चीज़ के लिए ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, वो रेकलेस होने के साथ साथ इरिस्पॉन्सिबल रहे हैं और इसके लिए उन्होंने हमेशा दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराया, उन्होंने खुद जानबूझ के अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को दूसरे के हाथों में दिया हुआ है, लाइक स्टीयरिंग व्हील दूसरे के हाथ में दिया है ताकि वो हमेशा दूसरों को ज़िम्मेदार ठहरा सके। ये उनका सिनिस्टर दिमाग रहा है, उनकी खुद के दिमाग का छलावा है, उनका खुद का टॉक्सिक मेंटालिटी रही है, ठीक है। तो ये आपके काम के जगह पे हो सकता है, ये आपका नेबर हो सकता है, ये आपके घर में हो सकता है। नाउ अगर आप किसी फाइनेंशियल रेस का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रमोशन भी है, आप देखोगे शायद आपको यू नो सामने से प्रमोशन मिले, या फिर अगर आपको प्रमोशन नहीं भी मिलता है आपको अपने फाइनेंस में प्रमोशन दिखेगा, ठीक है ना, एक बरकत आपको दिखेगी। आप अगर बहुत लंबे समय तक आई एम हियरिंग कि यहाँ पर किसी ने ज़मीन का कोई डीलिंग किया हुआ था, ठीक है, अगर आप ऑफिस गोइंग पर्सन हो और आपको लगा था कि ये ज़मीन का भी कुछ किया नहीं जा सकता, यू नो कोरोना के वजह से एंड ऑल दैट सब कुछ अटका पड़ा हुआ है एंड ऑल दैट स्टफ, अचानक से आपको न्यूज़ सुनने को मिलेगा, इट्स काइंड ऑफ फनी सिचुएशन, आपको लगेगा कि आपको आपके जॉब ऑफिस में आपको प्रमोशन मिलेगा, पर वहाँ पर आपको मिलने के जगह ये ज़मीन का जो बात हुआ था ना, ये ज़मीन का कोई खबर आपको मिलेगा कि वो ज़मीन बिक गया है या वहाँ पर कोई हलचल हुई है एंड इट्स अ गुड हलचल, ठीक है ना। तो मतलब आप जहाँ से प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस तरीके से नहीं आएगा वो, यो दूसरी तरफ से घुमा करके आएगा, ठीक है ना, ये एक अनएक्सपेक्टेड जगह से आपको एक राइज आपको देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर कोई है जिसे संभल के चलना चाहिए क्योंकि रास्ते पे उसका चप्पल टूटने वाला है, शायद आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, आई डोंट नो, आई जस्ट सॉ दिस पर्सन, इस पर्सन को मैंने ऐसे
यू नो चलते चलते से लड़खड़ाते हुए देखा, शायद आप आपको चोट लगने वाला है और आपका चप्पल टूटने वाला है, बट आई डोंट थिंक कि आप इस बात से अपसेट होंगे। थोड़ा संभल के चलिएगा, बहुत भीड़ है, ठीक है, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ भीड़ है यहाँ पे। शायद ट्रेन में ट्रैवल करते होंगे आप, सीरी से चल सीरी में टकरा रहे, तो शायद ये कोई फ्लाईओवर होगा, वो कुछ स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। ओके, यहाँ पर कोई है जिसे हमेशा से सिग्नल तोड़ने का समस्या रहा है, लाइक आप हमेशा लोगों को सिग्नल तोड़ते हुए देखा है और हमेशा टकराते टकराते रुक गए हो, लाइक आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, कुछ भी, ठीक है, टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो, आप गाड़ी चलाते हो और हमेशा जो लोग सिग्नल तोड़ते हैं ना उनके वजह से कई बार आपका एक्सीडेंट होते होते बचा है, और इस बात से आप बहुत परेशान रहे हो। आज आप अपने आँखों के सामने लिटरली देखोगे किसी को सिग्नल तोड़ने के वजह से उन पर फाइन लग रहा है। तो आपको अगर लगा था कि जस्टिस नहीं है तो आपको ऐसे जस्टिस रास्ते पर देखने को मिलेगा। दैट वाज वो हमारा कंफर्मेशन मैसेज था कि यस दैट्स ट्रू। ओके, यहाँ पर किसी की कैट है, स्पेसिफिकली ब्लैक ब्राउन वाइट कलर का कैट है। अगर स्ट्रे कैट है प्लीज़ थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा क्योंकि उस पर एक अटैक होने वाला है, लाइक डॉग्स लोग अटैक करने वाले, अगर स्पेशली अगर वो छोटे हैं, ठीक है, वो अगर बेबी किटन है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, अडल्ट नहीं हुआ है, तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि कहीं वो ऐसे हर्ट ना हो जाए क्योंकि उस पर एक अटैक होने वाला है। काफ़ी सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए चैनल हो रहे हैं। कुछ और एनीथिंग एल्स? नहीं। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो, अगर और कोई मैसेजेस आता है तो मैं शाम के टाइम पे एक और वीडियो पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, टेक केयर, बाय।